और राजस्थान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने बात की, उनका क्या कुछ कहना था आपको वो भी सुनाते हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी जी, सुरेश जी आप सचिन पायलट जी से मिलने आए थे, क्या बातें हुई, क्या नहीं कोई ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, हम लोग दिल्ली आए थे तो मिलने आ गए थे। आप लोग तीन विधायक यहाँ आए हैं और जिस तरह से घटनाक्रम अध्यक्ष को लेकर मुख्यमंत्री को लेकर विवाद बना हुआ है, बवाल मचा हुआ है, अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, पर्चा नहीं भरा जा रहा है अशोक गहलोत का, आप सचिन पायलट से मिलने आए हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं। देखिए फैसला हाईकमान के पास है, कांग्रेस की परिपाटी रही है कि फैसले दिल्ली से होते हैं, हाईकमान जो भी चाहेगा पार्टी के हित में, देश के हित में, जनता के हित में वो फैसला करेगा। लेकिन अशोक गहलोत तो अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट सीएम ना बने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ऐसा ये सब मीडिया का क्रिएटेड, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है कि जो भी फैसला करना हाईकमान को करना है, वो सर्वमान्य होगा, सब मानेंगे उसको। आप विधायक चाहते हैं कि वहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राजस्थान से दो दो चेहरा हों? देखिए ये फैसला हाईकमान का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी राय से या हमारे चाहने से नहीं चाहने से नहीं बनता। पार्टी के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, ये फैसला हमसे बेहतर समझते हैं हाईकमान और वही फैसला करें। सचिन पायलट जी क्या बोले, क्या चाहते हैं वो? दिल्ली में है, दो दिन से डेरा डाले हुए हैं। नहीं दिल्ली तो हमेशा से ही रहते हैं, आए हैं सचिन पायलट जी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज ही दिल्ली आए, हमेशा रहते हैं। लेकिन आखिरी सवाल रहेगा सुरेश जी, जिस तरह से विवाद वहाँ हो रहा है उससे नहीं लग रहा है कि पार्टी की जो नेतृत्व है, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हैं, उनकी छवि पर भी असर पड़ रहा है जिस तरह से विवाद हुआ है? देखिए जो तरीका उन्होंने अपनाया था निश्चित तौर पे वो तरीका जो है वो गलत था, उनको अपनी बात कहनी थी, हाईकमान उनकी बात सुनने को तैयार था, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो गए थे वो 1-to-1 एक एक करके सबकी बात सुनना चाह रहे थे, वो मना थोड़ी कर रहे थे कि बात नहीं सुनेंगे। तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई उनको एक एक करके बात कहने में क्या दिक्कत थी, जो बात वो सामूहिक रूप से कहना चाह रहे थे। विवाद तो तब होता है जब आप कोई बात कहना चाहते हो और मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तब विवाद की स्थिति होती है। वो सुनना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, तो फिर विवाद किस बात का था? वो कह रहे हैं कि इस पूरे पर्दे के पीछे अशोक गहलोत स्वयं थे। अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं, भी छवि इसकी जानकारी मुझे नहीं, अशोक गहलोत को भी छवि खराब हुई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। छवि तो पार्टी की सारी की खराब होती है, इसमें जब विवाद किसी बात का होता है प्रेस में आता है तो सबकी छवि खराब होती है। इसका निदान नहीं लग रहा कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, आपको लगता है कि? हाँ बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी अध्यक्ष बने, हाँ पूरी जनता चाहती। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।